सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपने जो प्रोफाइल का आइकन होता है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद वापस पहले नंबर पर मिल जाएगी सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना सा आपको कर देना। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे थोड़ा सा नीचे आना और इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अकाउंट सेटिंग में आपको ये पहले नंबर में मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन शो हो जाते हैं, आपको सिंपल किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर पहले नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा चेंज पासपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपकी फेसबुक की आईडी वगैरह शो हो जाएगी, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है जिसका भी पासवर्ड चेंज करना हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है करंट पासवर्ड अपडेट, जो भी आपका पहले से पासवर्ड था वो आपको पासवर्ड इधर लगा देना है। अगर वो पासवर्ड आपको याद नहीं है तो यहाँ पर आपको अगर याद हो तो वो लगा देना। उसके बाद न्यू पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको याद है नहीं है तो यहाँ पर आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट योर पासवर्ड छोटे से आइकन में, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके इस अकाउंट से जो भी नंबर और उसके अलावा जीमेल कनेक्टेड होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। सेंड वी कोड फेसबुक नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो चल रही है फेसबुक आपके मोबाइल में, इस पर एक कोड जाएगा वो आपको लगा देना है। जैसे यहाँ पर मैं कोड पर क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि फेसबुक पर ऊपर गाइस आप देख सकते हो कोड भी आ चुका है। यहाँ पर सिंपल आपको यही कोड लगा देना है, जैसे मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कोड लगाया उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एंटर न्यू पासवर्ड। अब यहाँ पर मैं जो भी न्यू पासवर्ड बनाऊँगा वो मेरा पासवर्ड रहेगा, ठीक है, बिना कोई ओटीपी बिना कोई जीमेल के, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में फेसबुक पहले से चल रही है तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, अगर नहीं चल रही है तो ओटीपी या फिर जीमेल की मदद से चेंज कर सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, पसंद है तो लाइक करना, साथ ही गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।